टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि युवराज प्रिशा को लेकर बाहर चला जाता है और कहता है कि देखा आज मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया। प्रिशा कहती है कि ठीक है अब तुम कार से बाहर उतरो और जाकर वेट करो, मुझे रुद्राक्ष से कुछ बात करनी है आगे के प्लान के बारे में। युवराज ये बात सुनकर कहता है कि चलो चलो इतनी ठंड है मैं क्यों जाऊँ बाहर, तुम दोनों को बात करनी है तो तुम दोनों बाहर जाकर के बात करो। प्रिशा उसे घूरती है, इतने में रुद्राक्ष आ जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, यहाँ सब कुछ ठीक है या कोई प्रॉब्लम है? तो रुद्राक्ष को देख कर पिल्लई कहता है कि अरे चल चल साइड से हटना, जब मैं निकलूंगा तभी तो तू अंदर आ पाएगा। और ये कहकर प्रिशा के पास युवराज की जगह रुद्राक्ष बैठ जाता है और युवराज बाहर उन दोनों की पहरेदारी करने लगता है। दोनों बात करते हैं जो हुआ अंदर उसके बारे में, जहां पर रुद्राक्ष कहता है प्रिशा की तारीफ करते हुए, अरे वाह वाइफी तुमने क्या प्लानिंग की एंड ऑल, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन यहाँ पर प्रिशा कहती है हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, मुझे लग रहा है अक्का को हम पे शक हो गया है और वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देंगी, लेकिन अब आगे क्या करना है हमें ये बहुत ही सावधानी से सोचना होगा। दूसरी ओर महिमा सोच रही होगी अपने रूम में बैठे कि आज जो कुछ हुआ उससे रुद्राक्ष एक बार फिर से मुझसे गुस्सा हो गया है और आज रात उसके साथ सोने का मौका भी मैंने गंवा दिया है। लेकिन ये सब कुछ प्रिशा का कोई बैकअप प्लान ही रहा होगा, या फिर वो यहाँ से जाने के बाद हॉस्पिटल किसी पार्टी में गई होगी जहाँ पर उसने अपना वो वीडियो रिकॉर्ड और यहां आकर के सबको दिखा दिया बड़ी ही आसानी से। लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि महिमा आखिर चीज क्या है। तभी वो सोचती है कि क्यों ना अब रुद्राक्ष के बेडरूम में जाकर उसके पास सो जाती हूँ। तभी वो बेडरूम में देखती है कि रुद्राक्ष तो है ही नहीं। वो पूरे घर में ढूंढते हुए एक सर्वेंट के पास पहुँचती है और कहती है कि क्या तुमने रुद्र को देखा? सर्वेंट बताती है कि हाँ सर अभी बाहर गए हैं, वो अक्सर जॉगिंग के लिए या फिर नाइट वॉक के लिए बाहर चले जाया करते हैं। महिमा कहती है इतनी रात को? तो मेड कहती है हाँ सर तो पहले भी जाते हैं। महिमा सोचती है कि मैं भी जाकर देखती हूँ कि रुद्राक्ष आकर बाहर ऐसा क्या कर रहा है। वो इधर उधर देखती है, रुद्र दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आता और ढूंढते हुए रुद्राक्ष को उसे प्रिशा की गाड़ी दिख जाती है और वो सोचती है कि ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है, चलो पास जाकर देखती हूँ कि आखिर इनमें चल क्या रहा है। जैसे ही प्रिशा और रुद्राक्ष कार में बैठे होते हैं दूसरी तरफ से महिमा कार की तरफ आ रही होती है और जैसे ही महिमा अंदर झुककर देखती है वहाँ प्रिशा के साथ युवराज बैठा होता है उसके कंधे पर सर रखकर, जिसे देखकर महिमा पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रिशा कहती है आपको दिख नहीं रहा हम यहाँ पर राइड पर आए थे। तो युवराज भी कहता है कि हाँ हम यहाँ राइड पर आए हैं। तो महिमा कहती है तुम दोनों बकवास बंद करो, सही सही बताओ कि तुम आखिर कर क्या रहे हो और तुम्हें राइड के लिए खुराना मेंशन ही मिला। तो युवराज कहता है कि क्यों ये सड़क क्या तुम्हारे उस युवराज ये सड़क क्या तुम्हारे रुद्राक्ष ने खरीद ली है? तो यहाँ पर महिमा कहती है कि तुम दोनों बकवास बंद करो और जो करने आए हो वो बताओ। तो प्रिशा कहती है हम अगर आपको सच बताएंगे तो आप कौन सा मानने वाली हो, हम यहाँ सारांश से मिलने आए थे, क्या आप मुझे मिलने दोगे सारांश से? तो महिमा कहती है कि ऐसा तो तू सपने में भी मत सोच क्योंकि मैं तुझे सारांश से नहीं मिलने दूंगी और यहाँ से चल अब निकल। ये कहकर कि महिमा अंदर चली जाती है और प्रिशा और युवराज को कार में छोड़ जाती है। तभी यहाँ पर दोनों चैन की सांस लेंगे और फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जब युवराज कार के बाहर वेट कर रहा होता है तब वो महिमा को कार की तरफ आता देखता है और रुद्राक्ष से कहता है अबे ओ नल्ले चल निकल यहाँ से, महिमा आ रही है। ये बात सुनकर युवराज जल्दी से अंदर घुस जाता है और प्रिशा के कंधे पर सर रख लेता है और युवराज को देखकर रुद्राक्ष यहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि आज तो हम बाल बाल बचे हैं, आगे पता नहीं हमें कैसे क्या कुछ करना होगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि महिमा के वहाँ से चले जाने के बाद रुद्र प्रिशा बात करते हैं और प्रिशा कहती है कि अर्जुन वर्मा फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसका क्या करना है? तो रुद्र कहता है डोंट वरी हम कल जाकर उसके घर देखते हैं वो क्या कहता है। अगली सुबह होगी जहाँ पर रुद्र और प्रिशा मिलकर अर्जुन के घर जाएंगे, वहाँ पर होगा इंट्रोडक्शन अर्जुन वर्मा और उसकी पत्नी का, जहाँ पर प्रिशा उससे रिक्वेस्ट करेगी कि जो कुछ रुद्र ने कहा था कि आपको हमारे घर आकर के बोलना है महिमा के बारे में, आप प्लीज़ उसमें हमें कोऑपरेट कीजिए। अर्जुन वर्मा बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है और कहता है कि डोंट वरी कल आपकी महिमा यानी कि मोहिनी का आखिरी दिन होगा, उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे होगी और मैं जो भी पॉसिबल कोशिश हो पाएगा वो करूँगा और मैं कल सही टाइम पर पहुँच जाऊँगा।
अगले दिन आप देखेंगे कि खुराना हाउस में सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ही होंगे, तभी वहाँ पर प्रशा की एंट्री होती है। उसे देखकर अहाना और मिश्का भड़क जाती हैं और कहती हैं कि ये मुंह उठाकर फिर से आ गई, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों बिना बताए ऐसी मुंह उठाकर चली आती हो। यहाँ पर अहाना और प्रशा के बीच हॉट टॉक होगी, जहाँ पर प्रशा कहेगी कि मैं ये प्रूफ करने आई हूँ कि ये जो महिमा यहाँ रह रही है ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, ये दोनों परिवारों को बहुत बड़ा धोखा दे रही है। ये कहते कहते प्रशा बहुत सारे एलिगेशंस लगाएगी महिमा पर और उसका सारा सच बताएगी, लेकिन उसे प्रूफ करने के लिए सबूत मांगा जाएगा और रुद्राक्ष महिमा को दिखाने के लिए कहेगा कि अच्छा हम कैसे माने कि तुम सच बोल रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो प्रशा बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि हाँ मैं सबूत साथ लेकर आई हूँ, और तभी वो अर्जुन वर्मा को आवाज़ देती है जिसे देखकर महिमा शॉक में हो जाती है। प्रशा कहती है अर्जुन वर्मा से कि चलो अब तुम सबको बताओ कि आखिर ये औरत कौन है और इसने कैसे तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा सब कुछ लेकर कि ये भाग गई। ये सब कुछ कहने के बाद जैसे ही अर्जुन वर्मा कहता है कि ये औरत कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता, शक्ल से तो ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं ऐसे कैसे इनके बारे में कुछ भी कह दूँ। प्रशा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि और कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम इसके बारे में सब जानते हो, ये महिमा नहीं मोहिनी है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम घर वालों को सब कुछ सच सच बताओगे। तो तभी अर्जुन कहता है कि माना मुझे रुपीज़ की ज़रूरत थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं भला इनके खिलाफ कुछ क्यों बोलूं, मुझे आप रुपीज़ देंगी, आपने मुझसे ये बोला था, लेकिन अब मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तभी वो वहाँ से चला जाता है और प्रशा को कहता है कि अब मुझे आप कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं इस मैटर में ना तो पढ़ना चाहता और ना मैं इस औरत को जानता। ये कहकर प्रशा झूठी साबित हो जाती है और अर्जुन यहाँ से बड़ी आसानी से चला जाता है, जिसे सोचकर रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहता है कि अर्जुन वर्मा ने तो मुझसे कहा था कि ये सब सच बोलेगा, तो एंड मौके पर ये पलट क्यों गया। यहाँ पर महिमा अपना गेम खेल चुकी है और महिमा घर वालों के सामने प्रशा को झूठा साबित कर चुकी है और वो कहती है कि आखिर तेरे पास ये घटिया हरकतों के अलावा कुछ और नहीं है, अगली बार किसी अच्छे प्रूफ के साथ और कुछ अच्छे आइडिया के साथ आना। ये कहकर महिमा वहाँ से प्रशा को भगा देती है। प्रशा रुद्राक्ष घर के बाहर मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर अर्जुन वर्मा ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अर्जुन वर्मा ने तो कहा था कि वो मिलकर महिमा के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा, तो आखिर यह इन मौके पर अपने वादे से क्यों मुकर गया। दूसरी ओर रुद्र प्रशा को एक साथ देखकर महिमा अपने मन में सोचती है कि मुझे पहले दिन से ही तुम दोनों पर शक हो गया था, अब आखिर तुम मुझसे होशियारी करोगे, ऐसा भला हो नहीं सकता, मैं भी देखती हूँ तो तुम दोनों कैसे मेरे खिलाफ सारे सबूत ढूंढ कर भी मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबला महिमा से है। और तभी हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कल रात के एपिसोड में क्या कुछ पता चल पाएगा महिमा के बारे में, क्या फिर अर्जुन वर्मा ने ऐसा क्यों किया, कौन सी ऐसी ब्लैकमेलिंग की गोली दी है महिमा ने अर्जुन वर्मा को कि वो इन मौके पर घर वालों के सामने मुकर गया सच बताने से। ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको आज रात की अपडेट कैसी लगी कॉमेंट करके अपनी अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। We'll be right back.